इस सवाल में हमें कॉसेक 2040 डिग्री की वैल्यू निकालनी। अब हमें ये पता है कि भाई इतने बड़े एंगल के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद करना आसान नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट एंगल निकालेंगे जो एक स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह निकालेंगे, इसको हमने डिवाइड कराया 90 से, तो हम 90 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे जो इसके नियरेस्ट हो। तो हमने 22 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया 1980, रिमेनिंग बच गया 60। सही है, इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि इसका इक्वलेंट एंगल जो आएगा वो आएगा कॉसेक 60, और कॉस 2040, ये 2040 डिग्री जो है ये लाई करेगा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है, अब कॉसेक 60 बराबर होता है हमारे पास 2/√3, क्योंकि कॉसेक बराबर होता है साइन का, साइन 60 बराबर होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है।